सलाम वालेकुम। थैंक यू। तुम लोग को नहीं लेना? बिल्कुल लेना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी मुबारकबाद तू या नमाज के बाद, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं आप लोगों को नमाज के बाद दूँ। सो ड्रेस प्रेस हो चुका है। ड्रेस ये बाबा जी का है और ये मेरा जुब्बा है। मेरे बड़े पापा लेकर आए थे सऊदी अरबिया से और ये है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल। इस वजह से मैंने अपनी सिस्टर को कहा था कोई और ड्रेस प्रेस मत करना, मैं यही पहन कर जाऊँगा नमाज के लिए। दोनों प्रेस होकर पड़ा हुआ है और ये बाबा जी का स्लीपर है, ये मेरा है। और अब मैं जा रहा हूँ शावर लेने और रेडी होने, तो व्लॉग भी करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। रेडी हो चुका हूँ और अभी बाबा रेडी हो रहे हैं। और नमाज़ पढ़ने जाने से पहले ना मामा हम लोगों को दूध देखती हैं, उसमें ना कुछ पिस्ता वगैरह दला हुआ होता है, तो आप लोगों को पता है मामा तो फिर मामा है, तो उन्होंने अभी ला के दिया मुझे पानी है और साथ दूध है। अब मैं इसको जल्दी से पी लूँ जब तक बाबा रेडी हो रहे हैं, फिर बाबा भी उधर पियेंगे, फिर नमाज़ के लिए जाना है। सुबह का टाइम मैं इतना नहीं पीऊँगा, हाफ बहुत है मेरे लिए, हाफ ही काफ़ी है अभी सुबह सुबह के टाइम। बाबा को देखते हैं, बाबा रेडी हो चुके हैं तो नमाज के लिए निकलेंगे। माशाल्लाह से पापा बहुत प्यारे लग रहे हैं, रेडी होने वाले हैं पापा भी, फिर सीधा निकलते हैं मस्जिद। बाबा भी रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आ चुके हैं, बाबा से भी गले मिल लिया और सब लोगों से मिल लिया। अब बारी है घर वालों से मिलने के लिए, तो सबसे पहले मैं अपनी मामा से मिलूंगा। कहाँ है मामा? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। फिर अपनी दो सिस्टर है उनसे मिलना है। ईद मुबारक। सबसे ईद मिल ली, घर वालों से भी मिल लिया और सबसे, और आप लोगों को भी ईद मुबारक। अभी आए मामा किचन में, तैयारी करिए नाश्ते का, तो पापा भी इधर ही अभी रूम में आ रहे, तो इधर बैठकर वेट करते हैं नाश्ते का। जैसे ही नाश्ता आता है फिर नाश्ते पे बैठेंगे। अभी नाश्ता लग रहा और पापा भी रूम में आ गए हैं। पापा ये रहे, पापा सबको ईद मुबारक बोल दें जल्दी। ईद मुबारक। बस पापा को भी सबके तरफ से ईद मुबारक। अब नाश्ता लगता है। नाश्ता लगता क्या है, नाश्ता लग रहा है, तो फिर बैठते हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता लग चुका है। नाश्ते में न्यारी
छोले पूड़ी और साथ मिठाई। तो न्यारी मेरा फेवरेट है, मैं सबसे पहले अपने लिए न्यारी निकालूंगा खाने के लिए। मेरा नाश्ता तो निकल चुका, मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो नाश्ते के बाद मिलते हैं। नाश्ता डन हो चुका है और चाय आ गया। आज मेरे लिए चाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया था, अभी बहुत ज़्यादा थका हूँ, इस वजह से मैंने कहा चाय पीकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाना है। नाश्ता वगैरह सब चीज़ डन हो चुका है और पापा नीचे जा चुके मेरा वेट करें क्योंकि हम लोगों को कब्रिस्तान जाना है, तो अभी कब्रिस्तान जा रहे पापा के साथ। कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं और आज गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी से दुआ मांगते हैं। दुआ मांगकर फारिग हो चुके हैं, बस यही दुआ है कि इस दुनिया से जितने रुखसत हो गए अल्लाह पाक सबकी मगफिरत अता फरमाए। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर। टाइम हो चुका है 5, अभी मेरी आँख खुली है और अभी भी नींद बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैं 2 दिन से सोया नहीं था। अभी मुझे जाना है अपनी सिस्टर के घर, फिर उसके बाद जाना है दोस्तों से मिलने, तो मैं अपने सबसे पहले ड्रेस चेंज करूँगा, मैंने दूसरा प्रेस करवाया है अपना, और पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं लिया। अभी दोस्तों से मिलूँगा तो उनके साथ पिक्चर वगैरह लूँगा, इंस्टा पर अपलोड करूँगा, तो आप लोग देख लेना। अभी मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाता हूँ। वेट, आप लोगों ने तो देख लिया मेरा फुल लुक। और ईदी तो सुबह से किसी ने दिया नहीं था, अभी पापा ने बुलाया ईदी देने के लिए, पापा बैठे हैं, पापा अभी सिस्टर लोगों को भी देंगे और मुझे भी ईदी देंगे, तो जल्दी से पापा से ईदी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, तुम लोगों को नहीं लेना? बिल्कुल बिल्कुल लेना। बस जो बच गया वो मिल जाए। अब मैं जा रहा हूँ सिस्टर के घर। पापा ने ही अभी फर्स्ट ईदी दिए और किसी से भी नहीं मिला, कल आएंगे सारे तो सबसे कल मिलेगा। अभी मैं जा रहा हूँ सिस्टर के घर पर, आ चुका हूँ, अब यहाँ पे सबसे मिलते हैं। मेरी आयशा रेडी नहीं हुई है, आयशा मामू से इतनी मिलेंगी। ईद मुबारक, मतलब बच्चा अब मैं तो जयान से मिल चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। मुहम्मद इधर आइए, बाबा इधर आइए, हेलो हेलो बोलिए, ईद मुबारक सबको बोलिए, जल्दी इधर आइए, इधर जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए ईद मुबारक। चलो मामू जाल ध्यान, पपी थी मामू जाल, चलो 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 चलो, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके, दोस्त मेरा कब से वेट कर रहा है। मैं भी दोस्तों से मिलने आया हूँ, शरियार है तो शरियार भाई से सबसे पहले तो ईद ही मिलेंगे। ईद मुबारक, कैसे हैं सब भाइयों और बहनों को ईद मुबारक की तरफ से। अभी पिक्चर लेंगे तो इंस्टा पर पिक्चर बाद में, पहले अभी ईदी दे दिए भाई से। काफ़ी दिन हो गया शहरयार नहीं आ रहा था, काम में बिजी था पूरे रमज़ान, तो इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट होगा बहुत ही। अभी नहीं बताऊँ, बस यहाँ से पिक्चर लेते हैं, फिर पिक्चर लेने के बाद मैं दूसरे दोस्त के पास जाऊँगा उससे मिलने। अभी अपने जिगरी यारों से भी ईद मिल चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ दूसरे दोस्तों से मिलने। आ चुका हूँ दूसरे दोस्तों के पास, ये अम्मा खड़ा और ये सारे दोस्त खड़े हैं, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे रूम में बैठने। सारे दोस्त के रूम में आके बैठ चुके हैं और ये लोग अपने मस्ती मजाक कर रहे। ये सामने हैं काशी भाई और अभी थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं। सब दोस्तों से मिलकर मैं घर पर आ चुका हूँ और कोई भी दोस्त नहीं छोड़ लेते, किसी को कहीं जाना था साथ, किसी को कहीं जाना था, फिर के घर में बैठे दोस्त को भी मैंने कहा यार
मुझे कहीं जाना है, क्योंकि ना मेन चीज़ मुझे काम करना है, पिक्चर लिया वो एडिट करना है, वीडियो है वो एडिट करना है, इंस्टाग्राम में आप लोग जाके देखना, अभी शरियाल लोग आ रहे, उनके साथ बैठ कर पूरी पिक्चर्स और वीडियो वगैरह एडिट करूँगा, तो उनका मैं वेट करूँ, ये लोग जल्दी से आए और उनके साथ मैं काम करूँ आप लोगों के साथ, फर्स्ट ईद था मेरे यूट्यूब पर, तो लाइक लाजमी है आप लोगों की तरफ से मेरी ईदी होगी, आप लोग लाइक कर देना। और अभी ये लोग आते तो फिर वीडियो वगैरह एडिट करने बैठेंगे। शरियाल लोग आ चुके हैं, वो सामने शरियाल बैठा हुआ, ये लोग एक दूसरे से तो इतना दूर बैठे हैं, पता नहीं एक दूसरे को खाएंगे ये लोग, एक मेरे पास बैठा हुआ। अब शरियाल के साथ बैठकर मुझे पिक्चर एडिट करनी और वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से इनके साथ वीडियो वगैरह एडिट करके फारिग होता हूँ। हम लोग इधर बैठकर वीडियो एडिट कर रहे थे और पिक्चर और दोनों चीज़ एडिट हो चुका है, फिर हमें भूख लग गई, तो अभी हम लोगों ने जिंगर मंगवाया, अब जल्दी से जिंगर निकालते और खाते। और रूम का इन लोगों ने ये हालत किया, पूरा रूम ख़राब कर दिया इसने लगा एक चमाड़। फिर जिंगर हम लोग निकाल चुके और ये माशाल्लाह से सारे भाई बैठ चुके हैं खाने के लिए, तो जल्दी से खा कर इसको फारिक करते हैं। बस भूख बहुत तेज लगा हुआ, अब रेडी हो जाओ। यहाँ पे सब अपना अपना जिंगर लेकर साइड पे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे, ये अपना अलग बैठ कर खा रहा है, ये अलग, वो देखिए वो अलग मुंह छुपा के खा रहा है, ये अलग, और मैं यहाँ पे अपना जिंगर खा रहा हूँ। हमें शो भी है, चिप्स तो नहीं टच, मजाक कर तेरा चिप कौन लिया, इच्छा नहीं है बेचारे का चिप ये नहीं है, ठंडा हो, हाँ गरम करवाते हैं अभी, मज़ा नहीं है जिंदगी। खा पी कर फारिग हो चुके, इधर खाली हो गया, वो सबसे पहले खत्म किया, दूसरे नंबर पे वो ये बेचारा फंसा हुआ, इससे जिंदगी खत्म ही नहीं हो रहा, असद को दे दे सबसे पहले वही खत्म किया। अब उसके बाद अब ये लोग जा रहे हैं, इनको मैं छोड़ने जाऊँ नीचे, इन लोगों ने तो रूम का पूरा बेड़ा गरक कर दिया, अब इसको पूरा समेटना भी मुझे ही पड़ेगा, पहले मैं इन लोगों को नीचे छोड़ के आता हूँ। जब और शेबी भाई आपको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक कितनी बार दोगे, उठ जाओ अब। चला जाओ अभी अभी वो लोग गए, और अब शहबाज की कॉल आई है कि घर पर आओ, सारे आए हुए, मैं शहबाज से मिला नहीं था उस टाइम, शहबाज था नहीं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ अभी, व्लॉग का भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, तो जब बुलाया तो जाना पड़ेगा। शहबाज ने मिलने के लिए बुलाया था, यहाँ पे खाना लगा दिया है, शेरी है, वारिस है और ताह है, और शहबाज भाई भी आ गए, शहबाज भाई से मैं मिल चुका हूँ, जल्दी से खाते हैं खाना। फाइनली हम लोगों का खाना डन हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी है, मुझे काम करना है, तो शहबाज भाई से मिलते हैं और चलते हैं सीधा घर। घर पर आ चुका हूँ और आज ना कुछ ज़्यादा ही खा लिया, अभी शहबाज के घर में भी दूसरे दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा ही आज पेट लोड हो चुका है, और फर्स्ट ईद बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, और जितनी भी पिक्चर्स वीडियो है वो इंस्टाग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम में आप लोग जाके देख लें और लाइक फॉलो भी उधर कर देना। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।